हाजा वाली देखी तो गाइस ये थे हमारे हाजा वाली जी की दरगाह। ये आपने देख लिया व्यू, मैंने बता दिया। अब आगे चलेंगे कोटा वाली माता जी के यहाँ, कोटा वाली माता जी का व्यू भी आपको बताएंगे और काफी शानदार है। सामने से फ्रंट से देखोगे तो मजा आ जाएगा फ्रंट से देख के आपको। हाँ क्या हुआ, अच्छा। और देखिए आप कितना शानदार, बिल्कुल बहुत जंगल जंगल आसपास पहाड़ वगैरह, काफी बहुत अच्छा माहौल है, एक नंबर घूमने के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत शानदार। आप दरगाह भी मैंने आपको बता दी, और आगे चल के आपको कोटा वाली माता जी का दर्शन करवाएंगे, उनके भी बताएंगे। गाइस ये जो खम्बा है इसकी आपको विशेषता बताते हैं। इस खम्बे की विशेषता ये है कि इस खम्बे को दोनों हाथ से पूरे अपने हाथ में कोई नहीं भर सकता। अभी तक का रिकॉर्ड ने इस खम्बे को अपने दोनों हाथ से कोई नहीं भर सकता, भराएगा ही नहीं, गेप ले जाएगा हाथों में। देखो रहेगा ना गेप, नहीं भराएगा, कितनी कर लो कोई भी आ जाए वाली। ये इस खम्बे की विशेषता है, इसको दोनों हाथों में इस खम्बे को कोई नहीं भर सकता। नहीं भराया आगा गेप, है ना गेप, तो कोई नहीं भराएगा आएगा गेप, गेप रहेगा कितना रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, बोर बोर ताकत लगा नहीं लगा, ताकत क्या होता है, नहीं भरा था कितना रहेगा गेप, 4 इंच का मेरे भाई भर सकता है यार। अच्छा भाई का बड़ा हाथ इसका बड़ा चले। वो है यहाँ का, वो है अस्पताल है, गाँव आ गए, चलो अंदर से। हाँ ये गांव की एंट्री अंदर गई थी कोटा वाली माता जी के, अपन जाते हैं वहाँ का जो गांव है, गांव की एंट्री है, और आगे आता है कोटा वाली माता जी का मंदिर। गाइस ये अपने कोटा वाले माता जी का रास्ता देख सकते हो, पहाड़ पे बना है माता जी का मंदिर, आपको माता जी का मंदिर बताएंगे, जूम करके बताऊं कभी आपको दिख जाए तो। ये मंदिर है माता जी का, ठीक है। गाइस ये अपने माता जी का मंदिर का रास्ता, और आप सामने देख सकते हो कितना शानदार माहौल है, बिल्कुल तालाब, मतलब काफी अच्छी जगह, बहुत ही शानदार लोकेशन है। आप घूमने आओ तो मजा आ जाएगा, देखिए पहाड़ गाइस, मतलब दिल गार्डन गार्डन होता है जगह घूम के। पहाड़ों के बीच में पानी की झील, इसमें कुछ सिंगाड़े उगते हैं, इसमें सिंगाड़े बिकते हैं इसमें। तो गाइस ये है कोटा वाली माता जी के, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता जंगल जंगल में, बीच जंगल में हमें, और ऊपर माता जी का मंदिर यहाँ पे, ये और ये यहाँ का रास्ता आगे ऊपर जाने का। आगे हम कोटा वाली माता जी के ऊपर गाइस, बताता हूँ आपको माता जी, ये पहाड़, ये ऊपर जाने का रास्ता है पहाड़ का। जय माता दी। और आगे एक वो है गुफा, गुफा में भी जाते हैं, बहुत शानदार जगह है वहाँ पे। ये अपने पंडित जी है, बाहर शंकर भगवान का मंदिर है, इधर माता जी का मंदिर है, काली माता जी का, और अपने कोटा वाली माता जी। जय माता दी, जय माता दी, ये माता जी का मंदिर है। गाइस माता जी के मंदिर के ऊपर से आप देख सकते हो कितना शानदार माहौल लगता है अपने को, ये पहाड़ी पहाड़ है,
और ये नीचे तालाब है, काफी अच्छी जगह है घूमने लायक। आप आओ कभी तो मुझे मैसेज कर देना, बोल चुका हूँ मैं आपको दे दूंगा जो भी एड्रेस है, अभी मैं आपके साथ में आ जाऊंगा। ये नीचे से सीढ़ी है, ऊपर आने का रास्ता है। और गाइस ये पहाड़ के ऊपर मतलब हम गुफा में जाते हैं ना, वहां का रास्ता है ये। गुफा में बहुत शानदार गुफा है, अपन ऊपर से निकलते हैं नीचे आ जाते हैं बिल्कुल गुफा में से। के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात, मैं लग रहा हूँ उल्लभ कश्यप का भाई गमछा टांग के। पहाड़ पहाड़ के ऊपर हम आ चुके हैं और आप देखो लोकेशन काफी शानदार है, और मैं तो कहता हूँ कि आप आओ एक बार घूमना, आपको मजा आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं गुफा में, गुफा का रास्ता आपको बताएंगे। और ये पहाड़ पहाड़ के ऊपर है हम, ये पहाड़ों के ऊपर हमें अभी, और देखो आप माहौल। वो एक भाई हमारा मना कर रहा है, कह रहा मैं गुफाओं में से नहीं निकलूंगा, चमड़ा का रहते हैं, डर लग रहा है उसको, उसको निकालेंगे गुफा के अंदर से। तो भाई गुफा का रास्ता तो नहीं मिला हमको, गुफा का रास्ता तो हम भूल गए, तो वापस लौट के आ गए। अब नीचे चलते हैं डायरेक्ट, बहुत दिन में आए ना तो भूल गए यार, अब नीचे चलते हैं डायरेक्ट। चलो माता जी के जो नीचे पहाड़ के नीचे काल भैरव जी का मंदिर भी यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये देखिए पहाड़ वगैरह, पहाड़ के नीचे हम खड़े, ये पूरा माहौल है यहाँ का सामने का, बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश की। अब ये गाइस अपने माता जी का मंदिर का नीचे से ऊपर का व्यू, ये रास्ता माता जी का मंदिर। कर लिए माता जी के मंदिर के दर्शन, अब चलते हैं आगे। आगे जाके हम डैम पे जाने की सोच रहे हैं, अब डैम पे जाएंगे, अगर डैम पे गए तो आपको वहां का व्यू बताएंगे। अब चलते हैं, अब हम जा रहे हैं डैम के रास्ते पे, यही डैम का रास्ता, और आगे जाके डैम का व्यू बताएंगे। आप देखना आगे बन रही है ब्लॉग में हमारे। तो गाइस ये चल रहा है डैम के रोड का काम, हम जा रहे हैं डैम के ऊपर। ये गाइस ये गेट है पानी के, पानी रोकने के लिए इतने बड़े बड़े गेट। ये मंदिर बना है डैम का, पहले मंदिर बनता है मतलब कितना कुछ कर लो, पहले भारतीय संस्कृति को लोग नहीं भूलते, मंदिर बना है पहले उनने। देखिए आप डैम का काम चल रहा है, ये इधर भी जो थोड़ा सा डैम का काम चल रही है। देखो डैम का मामला ये जान तो नीचे पानी भरा रहा क्या, देखिए गाइस ये चल रहा है डैम का काम, आप देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से व्यू डैम का। देखो ये कंट्रोल रूम रहेगा डैम का, मतलब काफी बहुत बड़ा डैम है हमारे एरिया का, है बहुत ही बड़ा दूर दूर तक, ये देख सकते हो आप। वो ये नदी आ गई पार पड़ती है ना।
तो ये आ गया यहाँ पे पार्वती नदी। ये देख सकते हो गाइस आप, ये काफी बड़ा डैम है हमारे एरिया का। ये पूरा बहुत दूर दूर तक तो काम चल रहा है डैम के ऊपर। और ये नदी आ गई पार्वती नदी, जो हमारे कुरावर के पास है ना वो नदी आ गई। और ये काफी बड़ा बहुत ही शानदार माहौल है, ये देख सकते हो आप डैम का काम चल रहा है। ये मशीनें लग रही है बड़ी बड़ी वहाँ पे, देखिए जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आपको इतनी जगह हमने दिखा दी है, और अगर आप आना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं मैसेज में आपको एड्रेस दे दूंगा। या आप आओगे तो मुझे भी ले चलना साथ में, भी चल चलूँगा आपको पूरी जगह घुमा दूंगा। तो आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आगे आप अगर ऐसे हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।